नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाहते हैं आपसे, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 अक्टूबर तक की होगी रीडिंग। 15 से लेके 21 अक्टूबर तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन, एस ऑफ पेंटिकल, चैरियट, सेवन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। सीधी सी बात, नो बकवास, ये इंसान दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है सालों से आप नो कॉन्टैक्ट में हो या महीनों से। हो सकता है आपका बर्थ नंबर 8 हो सकता है, आपका बर्थ नंबर 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी, आप एक्वेरियस हो सकते हो, ये इंसान टॉरस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो या आपकी पर्सन, ये इंसान रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके पास रिश्ते के बारे में सारा नॉलेज है, रिश्ते की अच्छे बुरे वक्त, रिश्ते की अच्छे बुरे साइड, रिश्ते की अच्छे बुरे हालात, हर चीज़ को इन्होंने टटोला है। इनमें ही सही का समझ है, इनमें ही गलत का समझ है। इनको अब समझ आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है, गलती किसकी थी, कितनी थी, ये भी पूरे गलती से दूर नहीं थे, ये सारी चीज़ें उनको, और जो चीज़ छुपा था, जो बात छुपा हुआ था, उस बात को भी इन्होंने समझ लिया है, जो बात दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी ये रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, दोबारा चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपसे भी चांस पाना चाहते हैं। सीधी सी बात, अगर मैं कहूँ ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और एक मौका चाहते हैं, करंटली यही उनका फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद करते हैं, मतलब आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हो इस रिश्ते में, आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन वर्गो। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहता है, ये ही उम्मीद कर रहा है कि आप कंफ्यूज मत हो, आप सही डिसीजन लिया करें। टू ऑफ सोर्ड्स, द सन का कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप भी रिकॉन्सिलेशन करें, आप भी कंफ्यूज ना हो, आप भी सही डिसीजन ले इस रिश्ते को लेके। ये आपको अपने बच्चों की माता या पिता के रूप में देखते हैं, या फिर अगर आप पहले से ही इनकी बच्चों की माता या पिता हो तो क्या कहने। बच्चे की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए ये रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। इनको पता है कभी कभी आप थोड़ा इनोसेंट हो जाते हो, आपकी एनर्जी को ये कभी कभी इनोसेंट एनर्जी में देखता है, कभी कभी आप बचकाने हरकत करते हो, इस चीज़ को वो
एडमायर भी करते हैं और ये विक्ट्री चाहते हैं रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, किसी भी तरीके से रिश्ते में आना चाहते हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी रिश्ते को एक्सेप्ट करो, रिकॉन्सिलेशन की बातों को आप समझो, जो अच्छे वक्त आपने बिताए थे उस वक्त को याद करो। इस रिश्ते में जो भी अच्छे पल आप लोगों ने साथ गुजारे थे उस वक्त को याद करके रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचो, ना कि कंफ्यूज होके रिश्ते को रिजेक्ट करो। कम से कम दोस्ती भरा रिश्ता तो हो ही सकता है, दोस्ती से फिर से रिश्ता शुरू हो ही सकता है, इस बात का उम्मीद भी ये करते हैं और आपसे भी इस बात का उम्मीद रखते हैं कि आप भी समझोगे, क्योंकि अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो आपको पता है परिवार कितनी अहम होता है रिश्ते बनाने के लिए, रिश्ते को रखने के लिए, बच्चों के लिए। अगर नहीं हो तो ये आपको बच्चों की एनर्जी में देखता है, ये इनको पता है कि आप कभी कभी इनोसेंट बिहेवियर करते हो, तो इस चीज़ को ये एडमायर भी करते हैं, ये गुस्सा नहीं होते हैं। इसी के साथ ये भी चाहते हैं कि आप उस सारे अच्छे पलों को याद करो जो आप लोगों ने साथ गुजारे थे और रिश्ते में दोबारा आने के लिए मान जाओ। कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं है, कन्फ्यूजन मत रखो, प्यार को याद रखो, परेशानी को नहीं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कैंसर हो सकता है, लियो हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। अभी देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन की एक्शन क्या रहेगी इन दिनों। सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, मैंने कहा लिब्रा भी हो सकता है। ये इंसान बहुत पेशेंसली इंतज़ार करेगा इस रिश्ते की रिकॉन्सिलेशन होने का, खुद को ये डीप हीलिंग देगा इन दिनों। ये पेशेंस रखेंगे कि आप उनको समझे, आप बातों को समझे, आप उनके साथ और इस रिश्ते के साथ जस्टिस करें, आप बातों को समझे, बातों को लीगली समझे, बातों को दिल से समझे, दिमाग से समझे, हर तरीके से समझे, और ये खुद को जो भी गलती हुआ है इसका जिम्मेदार ये खुद को भी मानता है। इनको पता है कि इन्होंने भी गलत किया है, इसीलिए खुद को डीप हीलिंग देना चाहते हैं। कुछ दिन ये सबसे दूर अकेला रहना चाहते हैं, ये योगा मेडिटेशन करके खुद की चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं। जब भी ये परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये कुछ भी आपको कह देते हैं, बाद में इनको पछतावा होता तो है, लेकिन इस बात को बार बार दोहराया नहीं जाए इसके लिए ये खुद को हील भी करेंगे, ये पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये पेशेंस खो के आपको कुछ भी कह देता है और ये आपकी लौटने का इंतज़ार करेंगे। ये खुद से आपके तरफ अगर नहीं भी आए तो दिल से ये आपकी लौटने का इंतज़ार करेंगे। इनको लगेगा कि अगर आप इनके साथ दोबारा लौटते हो रिश्ते में तो ये सबसे बड़ी जीत होगी उनकी, उनके लिए ये जस्टिस होगा और गॉड की ब्लेसिंग्स भी होगी, क्योंकि अब जो ये इंसान जो बदल गया है ये हर चीज़ को भगवान के भरोसे सोचता है। अभी ये खुद को बहुत ज़्यादा महान, मुझे सब पता है, ये वो पहले जैसे इंसान ये नहीं रहा, इसीलिए अगर आप दोबारा रिश्ते में आते हो तो वो आपका शुक्रिया ही अदा करेंगे। इनको इंतज़ार रहेगा आपकी वापसी का। ये बहुत ज़्यादा खुद को हील करने में वक्त देंगे, जो
मैंने बताया एक्शन लेने के बारे में, अगर आएगा बात करेगा, ये सब फिलहाल ये नहीं करेंगे, खुद को सुधारने का काम करेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वंड्स, सोर्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, ये इस रिश्ते में जान है, इस रिश्ते में ग्रोथ है, ये भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, कोई मामूली रिश्ता तो है नहीं, तो आप रोना धोना छोड़िए, प्रेयर कीजिए, जैसा कर रहे हो वैसा कीजिए आप दोनों ही। और जल्दबाजी से लिया गया डिसीशन हमेशा गलत ही होता है। खुद को अच्छी तरीके से दोनों ही हील कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए रिश्ते के लिए, जो सही होगा वक्त के साथ आपको वो चीज़ डिवाइन की तरफ से ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आपको रोने धोने से, परेशान होने से मतलब नहीं है। आप जो रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, ये किसी ना किसी तरीके से डिवाइन को तकलीफ़ देना ही होता है, क्योंकि हम सब में भगवान है। आप पेशेंसली वेट कीजिए और सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, जब वक्त सही होगा और आपकी हीलिंग पूरी होगी, आपको वो चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।